कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, नैनीताल को द सिटी ऑफ लेक यूं ही नहीं कहते हैं, क्योंकि नैनीताल के आसपास में इतने सारे लेक हैं, तालाब हैं, तो लगता है कि आप तालाबों की दुनिया में ही रहते हैं। तो मैं आज आया हूँ भीमताल में, और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ शैलेंद्र सिंह बिष्ट, शैलू सोनू के साथ में भीमताल घूमने के लिए। शैलू भाई ने बोला, भाई वहाँ जा रहा हूँ भीमताल में, चलते हो? तो मैंने सोचा कि चलो घूम करके आते हैं, और इसी बहाने एक ब्लॉग भी आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो थोड़ा आप लोगों को इधर से मैं दिखाता हूँ, और शैलू भाई भी हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा ये काम भी करता हूँ, कह रहे हैं थोड़ा आगे तक बढ़े। और बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा वैसे लग रहा होगा यहाँ का, क्योंकि आजकल दोस्तों टूरिस्टों के हिसाब से भी जो घूमने के लिए काफ़ी इधर जो है सजाया गया है। और आप अगर, और दोस्तों अभी देखो, क्योंकि नई नई चीज़ें बन रही हैं शहर में, और ये देखिए मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊं, हाँ यहाँ से ये देखिए पंचायत सांस्कृतिक बहुत देखी, और दोस्तों आपको ये भी जो बना हुआ दिख रहे हैं, और ये जो बड़ी बड़ी बल्लियाँ जैसी भी दिख रही हैं आपको, ये सब जो है पत्थर की हैं, पत्थर की बहुत खूबसूरत, और ये जो है खूबसूरत यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों पहाड़ जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, और इसके लिए आपको घूमने के लिए टाइम चाहिए, आप टाइम निकाल करके अगर आते हैं। और ये जो पानी की सप्लाई है भीमताल से नीचे की तरफ को जाती है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है, आप नीचे देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है दोस्तों, और जो पानी है, जो भीमताल का लेक का पानी है, वो बाहर को जाता है इधर को, और शायद आगे जा कर के खेतों की सिंचाई के काम भी ये आता होगा, वहाँ से जा रहा है नीचे को पानी, वहाँ अगर आप देखते वहाँ से नीचे को जा रहा है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, मैं और शैलेंद्र, हम शैलू भाई हमारे, तो हम आगे चलते हैं और सुंदर नज़ारे का आनंद लेते हैं भीमताल के, और आपको भी सुंदर नज़ारा हम जो है यहाँ का दिखाएंगे। तो सोनू भाई कैसा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो आप? आज मैं भी लगभग लगभग 3-4 महीने बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ देखो सामने, हाँ येले फलों के कॉटेजेस। अच्छा, तो जो ये नए वाले बन रहे हैं इसमें कलर नहीं हुआ है, सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहा है। अच्छा, दो स्ट्रक्चर। तो शैलू भाई आप कुछ बताएं, इधर जो सामने बिल्डिंगें दिख रही हैं इनके बारे में कुछ बताइए आप। मैं आपको बताता हूँ, सामने में जो रॉ स्ट्रक्चर दिख रहा है अप्रॉक्स 20 से 30, हाँ जहाँ पे आप अभी अंगुली लगा रहे हैं, हाँ इसमें कलर नहीं हुआ है, हाँ स्ट्रक्चर है, हाँ ये DLF वालों के हैं। अच्छा, कॉटेजेस बन रहे हैं। हाँ हाँ, मोस्टली यहाँ पर को रेजिडेंस पर्पज के लिए कुछ नहीं है, जितनी भी प्रॉपर्टी दिख रही है ना, हाँ हाँ हाँ, 90% सब होटल्स हैं। अच्छा, इधर जो सामने भी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, होटल्स, हाँ क्योंकि लेक व्यू की प्रॉपर्टी है, वो सारे उसी हिसाब से। अभी देखिए आप सामने, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिल्कुल लेक के बीच में, ये एक्वेरियम कैफे। अच्छा, पहले तो ये फिश एक्वेरियम था, हाँ यहाँ पे फिश रखी हुई थी, तो
बहुत अलग अलग प्रजाति की। हाँ, क्योंकि लेकिन पहले हम जाते थे ना, यहाँ पर रेस्टोरेंट हुआ करता था, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। हाँ, तो ये रेस्टोरेंट इन्होंने फिश एक्वेरियम बना दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से अब ये कैफे बन गया। अच्छा, फिर से कैफे हो गया, फिर से रेस्टोरेंट वगैरह। अच्छा, एक्वेरियम कैफे हो गया है। एक्वेरियम कैफे हो, पहले बीच में एक्वेरियम था। और देखो, यहाँ पे जाने के लिए बाय नाव ही जाना पड़ेगा। हाँ, नाव से जाना पड़ेगा आपको यहाँ से ये। हाँ। आप किसी भी तरह की बोट ले लें और चले जाएं। और देखिए कितना शानदार वैसे लगता है, क्योंकि जब हम बाहर से कोई चीज़ को देखते हैं तो उसका आनंद अलग होता है, लेकिन आप खुद अगर जाते हैं उस इलाके में तो उसका थोड़ा अलग आनंद होता है ना। तो दोस्तों, और मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। देखिए कितना शानदार, और मैं भी इतना तो ऐसे आया नहीं घूमने के लिए, पहले से आता था। वहाँ सामने मंदिर भी दिख रहा है, वो वाला जो अभी आप गेट दिखाएंगे। हाँ, नीचे जो आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ से पानी जो नीचे को सप्लाई हो रहा है। ये एक्चुअल में जो पानी आ रहा है ना अभी, आपके व्यूअर्स को मैं बता दूँ। हाँ, ये होता क्या है कि जिस समय कभी भी लेक की जो लेबल में पानी का लेवल ऊपर जाता होगा, ऊपर जाता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में इसको खोल देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो सिर्फ पानी की निकासी हो रही है, इसके और भी जगह है ऐसी। हाँ, अभी इतने से काम चल रहा होगा। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद ये हल्द्वानी की तरफ कहीं जाता है। अच्छा, बट बीच में ऑब्वियसली यहाँ पर अगर गाँव पड़ते होंगे तो वो सिंचाई के लिए भी यूज होता होगा, जैसा आप अभी बता रहे थे। और बहुत ही शानदार नज़ारा भी लगता है जब यहाँ पर आते हैं आप ना। बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा मैं जूम करके भी थोड़ा दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए दोस्तों, और बड़ा ही आनंद आता है जब आप इस तरह का जब कुछ देखते हैं नज़ारा, तो बहुत ही आनंद आता है। तो दोस्तों, ये है खूबसूरत नज़ारा भीमताल का, और देखिए शानदार लेक और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और उस पहाड़ी पर आप बिल्डिंग देख सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, जो कि शैलू भाई बता रहे थे कि जो सारी हैं लगभग होटल्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंगें हैं। और ये इधर आप देखते हैं तो ये एक्वेरियम कैफ़े है। अच्छा, इसमें भी फोकस करिए। तो हम जो अभी लेवल की बात कर रहे थे जी, कि लेवल से ऊपर जो पानी चला जाता है। हाँ, हाँ, तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं इसमें जो इन्होंने एक स्केल टाइप का बनाया हुआ है। हाँ, हाँ, इसमें तो नंबर्स पड़े हुए हैं। जहाँ तक देखने को मिल रहा है ये शायद एक एक फीट की डिस्टेंस में है। हाँ, तो लगभग आप ये मान के चलिए 42 के आसपास ये है। हाँ, तो इसका मतलब है कि 42 भी ये अभी आउट ऑफ रीच है। हाँ, मतलब लेवल से ऊपर है, इसीलिए इन्होंने यहाँ से पानी की निकासी कर दी है। ठीक है, ठीक है ना। तो आप दिखा दीजिए अपने व्यूअर्स को कि किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। हाँ, और इसके ऊपर ही जो है इन्होंने जो है बैठने के लिए भी शानदार ये एक बना रखा है स्पॉट। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये इस पानी को बाहर छोड़ने के लिए एक बना हुआ है इसका, ये आप देख सकते हैं पुराने टाइम पर कितना शानदार ये बना हुआ, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है, और यहाँ से पानी की निकासी की जाती होगी। तो दोस्तों, कभी भी आप ऐसे जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो आपके पास पूरा टाइम होना चाहिए। अगर आप सीधे बाहर ही बाहर अगर नहीं तो आपको निकलना पड़ेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो।
तो अगर आपके पास टाइम है, पूरा टाइम ले करके आप आते हैं, तो आप पूरे नज़ारों का जो है आनंद उठा सकते हैं। और आप देखिए मेरे पीछे बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नेपाल का। बहुत शानदार लग रहा है। आप किसी एंगल पर जाएं, अगर वहाँ अगर आप सामने देखते हैं तो सामने से रोड है वो हल्द्वानी के लिए जाती है, भवाली से आती है और हल्द्वानी की तरफ को जाती है वहाँ से, और यहाँ आप सिर्फ घूमने के लिए आ सकते हैं इस साइड पर। ये तो पता ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, पहाड़ों में घूमने का दोस्तों यही एक आनंद है। बस मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि आप अगर पहाड़ों में आते हैं घूमने के लिए तो थोड़ा टाइम निकाल करके आए, क्योंकि आप थोड़ा वक्त होना चाहिए। जब से जो है पहाड़ों में हमारी खूबसूरत उनका आनंद उठाते हैं, नज़ारा हिमताल का बहुत ही शानदार लग रहा है। तो दोस्तों तब तक हम भीमताल की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।